ये थोड़ा सा उस कॉलेज के बारे में है। अगर हम ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट की बात करें कैंपस की 1993 का है 320 ट्वेंटी एकर्स में है अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यू नो एम बी जनरल कराता है अगर आप देख सकते हैं एमबीए टेलीकॉम कराता है एक्जेक्यूटिव कराता है और फॉरेन स्टूडेंट्स का भी ऑप्शन है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिफ्टी यू नो सिक्सटी परसेंटाइज और अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो फिफ्टी फाइव परसेंट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप देख पाएंगे यू you यूनो know, एम बी ए जनरल का फीस है यह फीस स्ट्रक्चर है इफ आई टॉक दट ऑफ ओवरऑल नाइनटी परसेंट टाइल जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे बट इट डजेंट मीन की अगर आपका नाइंटी परसेंट टाइल का कट ऑफ है तो आपको ईजिली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा बिकॉज दे ऑल्सो कंसिडर प्रोफाइल एट

मुझे खुद का बिजनेस करना है तो आपकी जिंदगी सॉर्टेड है बिकॉज उसके लिए ये कॉलेज जाने जाते हैं आई आई टीज इफ यू टॉक अबाउट दी हाईस्ट सी टी सी इन ट्वेंटी ट्वेंटी का वेर एज एवरेज सी टी सी जो है एटी लाख फाइव थाउजेंड का है मीडियम सी टी सी जो है विद दिस यू नो मूविंग टू द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्पेशलाइजेशन हम स्किप आउट करते हैं uh, आई थिंक ये हमने आई आई टी बॉम्बे स्किप आउट कर दिया या आई आई टी बॉम्बे है अगर हम आई टी बॉम्बे में बात करें तो एमबीए जनरल है ऑपरेशन ये सारी स्पेशलाइजेशन है देन ई एमबीए विच इज बेसिकली एग्जेक्यूटिव एम बी ए अगर आप यू नो जनरल एमबीए की बात करेंगे तो टेन लाख एट थाउजेंड का फीस स्ट्रक्चर है एक्जेक एमबीए का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिसिंग है उसके अलावा कई सारी स्पेशलाइजेशन है फॉरन स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन है एलिजिबिलिटी सिक्सटी परसेंट टाइल इन योर बी टैक एंड देन यू नो अगर आप किसी कैटेगरी में तो फिफ्टी फाइव का है प्लेसमेंट्स की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तो यू नो अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें ट्वेंटी वन लाख का एवरेज पैकेज है विच इज कंपेरेटिवली यू नो आप अगर टॉप थ्री के भी आई देखें तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है और फीस में आप देखो तो जो है वो टू हंड्रेड परसेंट है वेर इज अगर हम हाइएस्ट पैकेज की बात करें तो थर्टी टू लाख एटी थाउजेंड के आसपास का हाईस्ट पैकेज है एंड कट ऑफ जो है इसको आपको पूरा स्किप आउट करना है मुझे लगता है जो टीम है उन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है तो उसको स्किप आउट करते हैं

और भी कोर्सेज कराता है उसके अलावा अगर हम प्लेसमेंट की बात करें आई आई खड़गपुर की तो आप 2021 का देखेंगे तो जो हाईएस्ट डोमेस्टिक uh, है दैट इज इज 29 लाख ,00 का यू नो हाईएस्ट इंटरनेशनल अवेलेबल नहीं है एवरेज सीटीसी 18 लाख ,00 का है और अगर, अगर आप टॉप 25 फाइव परसेंट स्टूडेंट्स में है तो ट्वेंटी लाख ,00 का जो है वो एवरेज पैकेज है वेर इज अगर हम मीडियम सीटीसी की बात करें थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ अगर आप मीडियम सीटीसी जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं तो सिक्सटीन लाख नाइन नाइन थाउजेंड का मीडियम सीटीसी है लोएस्ट जो है वो भी नाइन लाख है तो अगर आप फीस से कंपेयर करेंगे बारह लाख ,00 की फीस से तो आर काफी अच्छा है विद दिस मूविंग टू द यू नो कट ऑफ अगेन ये सेगमेंट मिस आउट करो ये गड़बड़ हो गई है अगर आप यू नो 2020 के कट ऑफ की बात करें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 90 परसेंट टाइल ओवरऑल राइट बट इन केस 95 94 पे चांसेस हैं दैट यू कैन गेट अ कॉल मूविंग टू द नेक्स्ट आईआईटी दैट इज आईआईटी आई एमबीए कराता है फोर लाख ट्वेंटी फर्स्ट ईयर की फीस ,00 है दैट इज नियर अबाउट नाइन लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका सिक्सटी परसेंट होना चाहिए graduation में then CAT का का जितनी भी है, सिर्फ और सिर्फ CAT का करते हैं सिर्फ़ सिर्फ़ और करते उसके अलावा नहीं करते और इनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए जी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं विद मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग अगर आप आई आई टी रुड़की के एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे विच इज बेसिकली मीडियम लाख का हाइस्ट डोमेस्टिक है मीडियम सी सी जो है वो टेन लाख

है जिनकी फीस स्ट्रक्चर है आप चाहें तो दो मिनट स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं और इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है जिसमें से मेजरली हम जो डिस्कस कर रहे हैं करेंट इज जनरल एमबीए दिस मूविंग टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज प्लेसमेंट अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज सीटीसी जो है वो लाख सेवेंटीन सी का है सीटीसी हाँ है ट्वेंटी का एंड ये मूविंग टू द नेक्स्ट यू नो कट ऑफ अगेन इट इज अराउंड यू नो एव परसेंटाइल मतलब नाइनटी पे चांसेस है कि आपको कॉल आ सकते हैं कानपुर राइट एम बी ए कराता है फीस स्ट्रक्चर नाइन लाख के आसपास है और भी कोर्सेज कराता है बट हम स्पेसिफिकली एम बी ए के बारे में बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में सिक्सटी फाइव परसेंट टाइल होना चाहिए राइट right? उसके अलावा टेन 12 क्वालिफाइंग डिग्री एंड उसके साथ साथ यू नो सिलेक्शन जो है वो कैट और जी डी पी बेसिस पे रहेगा प्लेसमेंट्स की बात करें इसका एवरेज सी टी सी मीडियम सी टी सी जो है वो ट्वेल्व लाख थोड़ी सिक्सटी uh, का है मीन सीवीसी 13.51 का है एवरेज टॉप फिफ्टी परसेंटाइल पंद्रह लाख का एवरेज पैकेज you know, तो है और ये वहां की टॉप रिक्रूटमेंट नो कट ऑफ की बात करें तो इट इज समेर अराउंडी टू पॉइंटी कानपुर धनबाद इसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप एक सेपरेट वीडियो बनाओ मैं अगेन बात कर रही हूं एमबीए में

वो फोर्टी सिक्स लाख का है मीडियम जो है वो सिक्स पॉइंट फोर थ्री लाख का है एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एवरेज में गड़बड़ है यहाँ पे इनका एवरेज यहाँ पे टेन नहीं है इनका एवरेज आप सेवन लैक के आसपास मान सकते हैं अगर हम आई एस एम धनबाद की बात करें इन्होंने हाईएस्ट पैकेज को ही यही कर दिया है Whereas अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारी कंपनीज हैं फेडरल बैंक एस मार्केट कुवैत ऑयल कंपनी टी सी एस माइ गेट एंड लॉटमोर वे अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें इसके कट ऑफ का इन्होंने नहीं मेंशन किया है बट हाँ अगर हम आई एस धनबाद की बात करें तो 90 के आसपास एटीफाइव से ऊपर आप यू नो 85 90 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वी हैव आईआईटी जोधपुर अगर हम आईआईटी जोधपुर की बात करें एमबीए 8 लाख दो साल का फीस स्ट्रक्चर है यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैट का स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो यू नो प्लेसमेंट जो है वो 16 लाख का है हाईएस्ट 44 लाख का है टॉप कंपनीज रिक्रूट्स माइक्रोसॉफ्ट टीसीएस महिंद्रा डीआरडीओ डीआरडीओ इज अ कंपनी जो आपको बहुत कम ही कॉलेजेस में मिलेगी रिक्रूट करते हुए एंड दिस वाज द लास्ट कॉलेज इन द लिस्ट जो हमने डिस्कस किया और ये था MBA from, uh, MBA from IITs and मैंने कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश की कि सारे ही आई आई टीजो कहीं ना कहीं जो कराते हैं उनमें फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है आर ओ आई अच्छा है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और आप डेफिनेटली उनको लिस्ट में रख सकते हो इफ यू लुकिंग फॉर दीज कॉलेजेस सो अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करना है शेयर करना है एंड डो नॉट फरगेट टू सब्सक्राइब I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.